ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम शिक्षक श्री बाबा हम बच्चों को इस संगम युग में पढ़ाकर ऊंचे से ऊंच बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, क्योंकि टीचर जितना रुचि लगन से पढ़ाते हैं स्टूडेंट उतने अच्छे पढ़ते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ाने आए हैं, तुम भी रुचि से पढ़ो। बाबा कहते हैं, जब मैं आया हूँ रुचि से पढ़ाने तो तुम बच्चों को भी बड़े रुचि से पढ़ना चाहिए। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दुनिया में कोई टीचर बहुत अच्छा होता है तो स्टूडेंट बड़े नशे से खुशी से पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये नशा तुम बच्चों को होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारा टीचर है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य क्या है और हमारी शुभ भावना कौन सी है। बाबा पढ़ाई में ये कह रहे हैं, कल पहले 5000 वर्ष पहले जैसे हम श्रीमत पर विश्व को सुख शांति का राज्य स्थापना करना, यह हमारी शुद्ध भावना है। क्योंकि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करते हैं। द्वापर से अब तक बहुत मनुष्य आत्माओं ने चाहा है कि भारत को संपूर्ण सुख शांति से भरपूर करें, राम राज्य बनाए, सबको सदगति मिले, लेकिन नहीं हो सका। अनेक तप जप हुआ है, किए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों की ये संकल्प है, वो भी परमात्मा की श्रीमत पर। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति, इसीलिए तुम बच्चे नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं, इसीलिए तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं, क्योंकि ये भगवान से बाप से हमें प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, ये है प्राइज। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और जितनी खुशी से रुचि से हम पढ़ेंगे उतना हमें उच्च पद मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं, भगवान ने ऐसे खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। कोई दुख सुख से छूट जाए ऐसा नहीं हो सकता है। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट है। बाबा ने समझाया, एक भी आत्मा इस पाठ से छूट नहीं सकती है, तो ऐसे संकल्प करेंगे हो। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब बच्चों को आना ही है, क्योंकि हम एक्टर हैं और अच्छे एक्टर हैं। अविनाशी पार्ट भरा हुआ है तो पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। मक्ष कोई भी पा नहीं सकता, ये भगवान कह रहे हैं। 84 का चक्र लगाना है। पीछे आने वालों के जरूर जन्म जन्म होंगे। यहां तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बनानी है। और कौन बनाएंगे? हम बच्चे बनाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, क्योंकि श्री बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। हमारी बुद्धि रूपी कलश में भगवान ज्ञान भर रहे हैं। सत्युग है प्रारब्ध, इस समय बाप आकर ज्ञान की बात सुनाते हैं, और वो जो ज्ञान की बात हम सुनते हैं तो वो प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति है सत्युग की प्रारब्ध। इसलिए बाबा कहते हैं, गीता में भी शुरू में और पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। तो बाबा भी मुरली में हमें क्या समझा रहे हैं, कौन सी पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को मुझ पिता को याद करो। क्योंकि भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। धर्म स्थापक जो आते हैं, जब वो मरते हैं बड़े बड़े तीर्थ स्थान बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है।
जहां पर स्वयं भगवान आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सबको सदगति दी है। और कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं भाई शांति धाम और सुख धाम में जाना है, कितनी खुशी होनी चाहिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको क्या कहते हैं, रौरव नरक। तो नरक दुख की दुनिया में हमें रहना चाहिए, सुख की दुनिया में जाना है। ये हम बच्चों को विचार सागर मंथन करके खुश रहना है। आत्मा करती है शरीर द्वारा गुप्त पुरुषार्थ। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार को सतीग बनाना, नई दुनिया बनाना, विश्व में शांति सुख संपूर्ण रूप से स्थापना करना, वो भी परमात्मा के श्रीमत पर, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे और जो कार्य करेंगे वो सुखदायी होगा। दैवी गुण धारण करते हैं इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। जब हम दैवी गुण धारण करते हैं तो देवता बन जाते हैं, फिर वो देवता का स्वरूप जो है द्वापर युग से पूजा जाने लगता है। ये सब बातें भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, हमारा धर्म कब और किसने स्थापना किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है, तुम्हारी आत्मा के भी पूजा होती है और देवता बनते हैं तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। कौन, शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, वो सदा पूज्य, क्योंकि भक्ति में भी लिंग के रूप में हमेशा हम पूजा करते आए हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, कितनी बड़ी बात है। शरीर का भी पूजा होती है आत्मा की, क्योंकि शरीर पावन बन जाती है जब आत्मा पावन बनती है, इसीलिए उसको कहते हैं देवता। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि चावी हमको दे दो। कई बच्चे कहते हैं साक्षात्कार करा दो, मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं बोलो नहीं, ये दिव्य दृष्टि चावी किसी को मिल नहीं सकती है, तो हम क्यों गुहार लगाएं। बस पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने की, क्योंकि साक्षात्कार में तो कुछ मिलता है ही नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं, धन मिल जाता है, नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति थोड़ी पाया। परंतु मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहां। यह सब साक्षात्कार बाप बेट हम बच्चों को समझाते हैं कि इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। कौन, ब्रह्मा बाबा। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा फिर राजाई का भी देखा, तो निश्चय बैठ गया कि विश्व का मालिक मैं बनता हूं। फिर बाबा की प्रविष्टता हो गई, बस बाबा यह सब आप ले लो, हम तो विश्व की बात सही चाहिए, बस बाबा बाकी यह सब आप ले लो। ब्रह्मा बाबा ने सौदा कर लिया। तो अब हम धारणा सुनेंगे कि बाबा कह रहे हैं देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है, अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। क्योंकि जब हम देवी गुण धारण करते हैं पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्याला कभी नहीं चलाना। बाबा वरदान में दे रहे हैं एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकर स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां सतो ही एकर स्थिति होती है। अगर हमने एकाग्रता का अभ्यास किया तो एकर स्थिति अपने आप आ जाएगी। एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म जो भी व्यर्थ जाता है वो सब समाप्त हो जाता है, समर्थपन आ जाता है। बाबा कहते हैं एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ हो
इसलिए भागते हैं एकाग्रता को बढ़ाओ, सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। बाबा स्लोगन में कह रही, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, क्योंकि ज्ञान का सार ही है, पुरुषार्थ यही है, बीती को बिंदी लगाना। जो हो गया सब अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला वो अच्छा है। इसी रीति से मुरली के आधार पर हम सो मान लेंगे, मैं एकाग्रचित आत्मा हूं। इसी के साथ और गहराई से मुरली को चिंतन करेंगे, हमेशा अनुभव करेंगे सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए 24 घंटे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।